शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का शीर्षक है दोष दृष्टि का त्याग करें। एक व्यक्ति था, वो बगीचे में घूमने के लिए निकला। जब उसने बगीचे में देखा कि कोयल बहुत मीठा गा रही थी कुकू की आवाज में, तो उसने कोयल को देखते हुए कहा कि ये कोयल, तुम कितना अच्छा गाती हो, पर अगर तुम काली न होती तो कितना अच्छा होता। फिर और थोड़ा आगे गया तो बहुत सुंदर गुलाब के फूल देख देख के हर्षित हो रहा था, कशिश हो रही थी। तो उसने गुलाब के फूल को देख कर कहा कि ये गुलाब के फूल, तुम कितने अच्छे हो, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, अगर तुम्हारे साथ ये कांटे न होते तो कितना अच्छा होता। ऐसे जो भी चीज़ वो देखता था उसमें से दोष भी निकालता था। फिर आखिर वो थोड़ा थक गया तो सोचा एक वृक्ष के नीचे आराम करूं। बहुत बड़ा वृक्ष था, विशाल था, उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठा। तो वृक्ष को देखते हुए उसने देखा कि वृक्ष में बहुत सारे फल लगे हुए थे। तो उसने वृक्ष को कहा कि तू कितना विशाल है, कितना बड़ा है, लेकिन तुम्हारे वृक्ष के अंदर फल कितने छोटे छोटे, अगर तुम्हारे फल बड़े होते तो कितना अच्छा होता। और इतने में क्या हुआ कि एक फल गिरा और सीधा उस व्यक्ति के सिर पर गिरा। तब उस फल ने कहा कि अगर मैं बड़ा होता तो तुम्हारा सिर फूट जाता। तुम है तो बड़ा समझदार, परंतु अगर तुम ये दोष नहीं गिनता तो आज तुम कितना अच्छा व्यक्ति होता। तो कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कभी भी किसी की आलोचना न करें, दोष दृष्टि से न देखें। अगर उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है तो उसके अंदर क्या रहस्य भरा हुआ है, वो क्यों उनके साथ है, उसको जानने की चेष्टा करें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ओम शांति।